हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक फैमिली में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सब फोर सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में। सब फोर सब होता क्या है, इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना टाइम गवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आज से लगभग 3 या 4 साल पहले आपको यूट्यूब के बारे में शायद ही मालूम रहा होगा, क्योंकि दोस्तों उस समय हम लोगों के पास एक तो डाटा नहीं हुआ करता, कुछ लिमिटेड लोगों के पास डाटा हुआ करता था। आपको 15 रुपये में 80 MB 50 MB डाटा मिलता था। तो दोस्तों आप फेसबुक और व्हाट्सअप में उतना यूज कर लेते थे। और जब से दोस्तों जियो आया, जब से मैं कह रहा हूँ जब से दोस्तों जियो आया, तब से यूट्यूब पे ऐसे क्रिएटर्स बढ़े, ऐसे बढ़े। उससे पहले दोस्तों कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स ही थे। जियो आने से पहले कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स थे जो वीडियो बनाते थे। जियो आने के बाद इतने सारे क्रिएटर्स यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आए, इतने सारे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। तो दोस्तों इतने सारे क्रिएटर्स आने के बाद यूट्यूब पे क्या हुआ कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि आपके चैनल ग्रो करने में भी बहुत टाइम लगने लगा। पहले कुछ थोड़े बहुत चैनल होते थे, लोग कुछ ज़्यादा देखते थे, अब बहुत सारे चैनल हैं, देखने वाले कम हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों जब नए नए क्रिएटर्स आने शुरू हुए तो ये प्रॉब्लम बढ़ती गई कि वॉच टाइम, सब्सक्राइबर और ये व्यू की प्रॉब्लम बढ़ती गई। तो दोस्तों इसके बीच का एक रास्ता निकाला क्रिएटर्स ने कि सब फॉर सब, भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हारा कर लेता हूँ। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाते हैं, बहुत ही कम समय में 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर भी इकट्ठा कर लेते हैं आप यूट्यूब के कमेंट में, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पेज पे, लिंक के थ्रू, किसी न किसी थ्रू आप अपने लिंक को किसी दूसरे के पास भेजिए, भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसके बदले मैं आपका कर लेता हूँ। तो इससे आपको सब्सक्राइबर बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठा हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका फ़ायदा यही है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर इकट्ठा होते हैं, वॉच टाइम और व्यू नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इससे 2019 में तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि YouTube के नियम इतने कड़े हो चुके हैं कि आप अगर सब फोर सब से चैनल अपना क्रिएट कर रहे हैं, आपने अगर किसी सब फोर सब कर भी रहे हैं तो कुछ चुनिंदा तरीके हैं, आप उस तरह से करिए। अगर आप किसी YouTube की दोस्तों अगर आप किसी के कमेंट बॉक्स में YouTube वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में अगर सब फोर सब का सब फॉर सब करना चाहते हैं या उसके कमेंट में कहते हैं भाई आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हारा कर लेता हूं, तो बिल्कुल ये गलत तरीका है। यूट्यूब इस तरह से आप करना भी नहीं। अगर दोस्तों आप इस तरह से करते हैं तो आपका चैनल एकदम से यूट्यूब से हटा भी दिया जा सकता है। दोस्तों यूट्यूब का नियम इतना दोस्तों टाइट हो चुका है कि आप सब फॉर सब से अगर चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर तो इकट्ठा हो ही जाएंगे। अगर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में करते हैं तो इससे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं दोस्तों ये सब फॉर सब रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, लिंक के थ्रू कर, लिंक भी आप अपने चैनल की लिंक किसी के कमेंट बॉक्स में ना डालिए। इससे दोस्तों आप यूट्यूब को पता चल जाएगा और आपके चैनल को इनेबल करेगा ही नहीं, भविष्य में कभी इनेबल नहीं करेगा। दोस्तों ये हो गया इसके नुकसान और फ़ायदे। सब फोर सब से दोस्तों सब्सक्राइबर बहुत सारे आ जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब फोर सब ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास अगर आप मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, आप गरीब हैं अमीर हैं ये यूट्यूब नहीं देखेगा। अगर आप सब फोर सब से चैनल इकट्ठा करते हैं, चैनल पे अपने सब्सक्राइबर इकट्ठा किए हैं, तो आगे चल के आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव करेगा ही नहीं यूट्यूब। जब 1 महीने की रिव्यू में जाता है तो यूट्यूब ये देखता है। अब दोस्तों यूट्यूब एक छोटा मोटा तो प्लेटफॉर्म है नहीं, ये बहुत बड़ा सा बिजनेस हो चुका है। इस पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो गरीब अमीर हर तरह के हैं, जो जिसके पास जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट यूट्यूब पे आके दिखा रहा है। यूट्यूब मैं दोस्तों रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम करते हैं, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप आइए यूट्यूब पे अपना टैलेंट दिखाइए। हाँ दोस्तों अगर अच्छे से अपना टैलेंट, अच्छी वीडियो, अच्छे आपका टैलेंट है तो यूट्यूब अब कहीं ना कहीं आपके वीडियो को प्रमोट करेगा, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एकदम जेन्युइन तरीके से अच्छे से अपने सब्सक्राइबर इकट्ठा कीजिए। सब फोर सब दोस्तों मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर कह रहा हूँ मैं सब फोर सब रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे दोस्तों आपको नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं हो सकता। आप मेहनत करेंगे आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो
आप वीडियो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाइए, वीडियो आप बनाते रहिए, आपके पास व्यू नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ना कुछ दिन बाद यूट्यूब आपके वीडियो को देखेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो यूट्यूब भी सोचेगा ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसके वीडियो को प्रमोट करना चाहिए, ये रेगुलर वीडियो डाल रहा है, इसको कुछ ना कुछ यूट्यूब की तरफ से हेल्प मिलनी ही चाहिए। यूट्यूब अगर दोस्तों आप एकदम जेन्युइन तरीके से मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो यूट्यूब आपके चैनल को प्रमोट भी करेगा और आपके किसी न किसी वीडियो को इतना वायरल कर देगा कि एक ही वीडियो से आपके 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा और 1,000 सब्सक्राइबर भी आपके पूरे हो जाएंगे आराम से, आपका चैनल मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो जाएगा। अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं एक मतलब नियम से, एक नियम के थ्रू, यूट्यूब के नियमों के थ्रू अगर आप एक चैनल बना रहे हैं और उसी हिसाब से चल रहे हैं, तो अगर आप सब फोर सब से बहुत सारे सब्सक्राइबर इकट्ठा ही कर लेंगे तो दोस्तों आपका आपका ही नुकसान होगा। आज के ज़माने में, आज 2019 के इस टाइम में अगर आप सब फोर सब से सब्सक्राइबर इकट्ठा कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। आपका चैनल आगे चल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव करेगा ही नहीं यूट्यूब। अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों यही बताऊंगा कि अगर आपने एक चैनल बनाया है, वो चाहे जिस चीज़ से रिलेटेड हो, आप एक अच्छा कंटेंट डालिए, रेगुलर जेन्युइन तरीके से डालिए, आपका चैनल बिल्कुल ग्रो करेगा। 1 महीने 2 महीने 3 महीने आपके पास सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे दोस्तों तो एकदम कहते नहीं छप्पड़ फाड़ के आएंगे, एकदम बिल्कुल वही उसी तरीके से आपके पास सब्सक्राइबर और वॉच टाइम भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और बेल वाले आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।